हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट टॉस, और टॉस में आते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक चैप्टर का नाम है। और उसमें दो टॉपिक्स होते हैं दोस्त हमारा, एक होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, जो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हो प्लेलिस्ट में, बहुत डिटेल मैंने बात किया हूँ। लिंक का, हिंज का कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, केबल का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं जनरल कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला से भी मैंने बताया हूँ, आप जाकर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी आप देख सकते हो। दूसरा पार्ट जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का होता है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसको, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी का। दोस्त अगर अच्छे से आप इस वीडियो को देख लिए और समझ लिए, तो दोस्त मैं सिर्फ तीन क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक बीम, एक फ्रेम और एक ट्रस का। मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जनरल कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में आपको फील होगा कि रियलिटी में क्या स्ट्रक्चर है, कैसे डिफ्लेक्ट करता है, कैसे एक्सटेंसिबल होता है। और दूसरा चीज़ मैं फिर फार्मूला बताऊंगा, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट होता है जो आप समझते हो। फार्मूला तो सिर्फ याद कर लेते हो और फिर बना लेते हो। अलग अलग फार्मूला आपको याद करना होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग बीम फ्रेम में अलग अलग याद करना होगा। तो मैं बोलूँगा कि आप जनरल कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ जाओ, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। जितनी भी MPPSC, JPSC या फिर गेट का, IAS का, रेलवे का, DFCIL, फिर जूनियर इंजीनियर, किसी का भी उठा लो, आता ही आता है क्वेश्चन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी का। और जो मैं बता रहा हूँ समझ लिया आपने, तो सारा एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए समझते हैं हम लोग डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से हम लोग जानते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोस्त इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, कौन कौन सा पढ़ते हैं, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंसिबल, सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं इनएक्सटेंसिबल। अब दोस्त समझते हैं कि एक्सटेंसिबल क्या होता है और इनएक्सटेंसिबल क्या होता है। क्वेश्चन में बोल देगा कि आपका जो फ्रेम दिया हुआ दिया रहेगा, फ्रेम फिगर में, वो एक्सटेंसिबल है। अब आप DKI निकालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, या फिर बोल देगा कि इनएक्सटेंसिबल है, आप डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालो या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। तो पहले तो आपको समझना होगा कि एक्सटेंसिबल क्या होता है और इनएक्सटेंसिबल क्या होता है। आइए समझते हैं। तो एक्सटेंसिबल का एग्जांपल ना, आप रबर ले लो, रबर। तो रबर को आप क्या क्या कर सकते हो, एक रबर है, ये रबर है, इसको बेंड कर सकते हैं क्या, बेंड कर सकते हैं क्या, मोड़ सकते हैं क्या एक रबर को, यस मोड़ सकते हैं हम लोग, बेंड कर सकते हैं। प्लस एक रबर है, उसको खींच सकते हैं दोस्त, उसको खींच सकते हैं हम लोग, यस खींच सकते हैं, एक्जियली हम लोग खींच लेंगे उसको, एक्जियली डिफॉर्मेशन। मेरे दोस्त इनएक्सटेंसिबल का एग्जांपल ले लो, रड, रिइंफोर्समेंट। अब कोई रॉड है दोस्त, उसको बेंड कर सकते हो कि यस, रॉड को हम बेंड कर लेते हैं, इसको कर देंगे बेंड, तो इसमें बेंड आ जाएगा। बट दोस्त रॉड को आप अपने हाथ से देखो, मैनुअली देखो, क्या उसको खींच सकते हो, आप खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो रॉड को, आप कभी रड खिंचाएगी क्या, नहीं ना। बट नॉट एक्जियली डिफॉर्मेशन, ठीक है मेरे दोस्त।
अब हम लोग दो टाइप से समझेंगे, एक समझेंगे हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट, दूसरा हम लोग समझेंगे दोस्त फॉर्मूला से। बट मैं ज्यादा रिकमेंडेड करूंगा कि आप जनरल कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि आगे चल के आप स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ोगे, तो वहां थीटा की जरूरत होता है कि पूछता है कि उसमें थीटा आपको देखना पड़ता है कि कितनी थीटा से ये रोटेट हो रहा है, यहां पे इनडिटर्मिनेट है। तो वहां पे कैसे पता चलेगा, यहां तो फॉर्मूला से आप पता कर लोगे कितना डी के आई है, लेकिन उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना बेंड हो रहा है, कितना रोटेशन हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप जनरल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कैसे होता है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं दोस्त, फ्रेम का एग्जाम्पल मैं लेता हूं। सबसे पहले फ्रेम का देखना दोस्त, ये कुछ इस टाइप से है। ध्यान से देखना दोस्त, इस पॉइंट पर देखो ए बी सी डी, ए पॉइंट पर आप देखो, ए पॉइंट पर देखो, क्या इसको हम इधर खींच सकते हैं, खींचा जाएगी, इसको नीचे खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मतलब यहां पर आप तीन तरीके से काम कर सकते हो। और सिंपल याद रखना कि किसी भी फ्रेम, देखो दोस्त फ्रेम या बीम में इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होता है, थ्री होता है। चलो ठीक है, मेंबर का मैंने देख लिया, अब सपोर्ट का देखो, फिक्स सपोर्ट है, इसका भी तीन आएगा, वन टू थ्री। अब आप इसको मोड़ना चाहोगे, ये उल्टा मोमेंट लगा देगा, अब ये मोमेंट से आप मोड़ रहे हैं, ये उल्टा मोमेंट लगा दिया, मुड़ेगा क्या, नहीं मुड़ेगा, ये नीचे खींच रहे हो, ये ऊपर का दे देगा, नीचे खींचने ही नहीं देगा, फिक्स है ना दोस्त। तो मतलब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस मोमेंट से इस मोमेंट कैंसिल, आप यहां जीरो ले सकते हो, ले नहीं सकते, जीरो ही होगा। आप खुद सोचो ना, फिक्स्ड है, फिक्स्ड में क्या वहां ऊपर नीचे या मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते हैं, वो मैं दिखा भी दिया कि कैसे नहीं मोड़ सकते। आगे बात करते, यहां पर देखो दोस्त, इसको ऊपर खींच सकते हैं क्या, इस मेंबर को देखो, ए बी को खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, इस बी सी मेंबर को देखो, इधर खींच सकते हैं क्या, जी इधर खींच सकते हैं, बेंड कर सकते हैं क्या, जी बेंड कर सकते हैं, इसी प्रकार इसमें भी होगा। अब यहां और क्या मैंने बोला, तीन तरीके से हम काम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद रखो कि बीम या फ्रेम में थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं। अब देखो तीन तो मैं इस मेंबर का ले लिया, अब देखो सपोर्ट का कितना है दोस्त, ये हिंज सपोर्ट है, हिंज में कितने आते हैं, दो आते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। अब देखो वर्टिकल और हॉरिजेंटल में हम करना चाहेंगे, लेकिन ये रोक देगा, क्योंकि ये भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल में रोक देगा, लेकिन मोमेंट जब मोड़ेंगे, लेकिन इस मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास मोमेंट नहीं है, तो मतलब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कहने का मतलब कि ये हमारा खत्म, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, मोमेंट बचेगा, मोमेंट बचेगा, तो इस मोमेंट को मैं यहां लगा दिया। ठीक, अब देखो इसको डी के आई, अब लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर देखो आप थीटा बी मतलब मोमेंट यहां लग रहा, मुड़ रहा है, एक थीटा सी यहां पे भी बेंड हो रहा है, एक थीटा डी यहां पे भी, चलो ये तीन हो गए। अब देखो एक वाई है, ये एक से डेल्टा, डेल्टा मतलब कुछ डेल्टा से बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है, वाई में, कौन सा, बी बढ़ रहा है, इसी प्रकार डेल्टा एक्स में भी जा रहा है, डेल्टा एक्स में भी जा रहा है,
इसी प्रकार आप सी में भी सेम हो जाएगा मेरे दोस्त। सी का हम लोग बेंड ले लिए हैं यहाँ पे मोमेंट, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स और वाई, तो डेल्टा वाई में सी और डेल्टा एक्स में सी। इसी प्रकार दोस्त हमने ये डी भी ले लिया है, बेंड कर रहा है यहाँ, थीटा डी ले लिया है मैंने। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, डी के आई टोटल कितना हुए, 7 हुए। ठीक, अब आइए इधर इन एक्सटेंसिबल में आइए। मेरे दोस्त, तीन आपको मैंने बताया कि तीन तरीके से इस ज्वाइंट पर मैं काम कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इक्विलिब्रियम भी तीन होते हैं, वैसे भी याद रख सकते हो। लेकिन एक चीज देखो, एक्सियली नॉट डिफरम, यहां पे एक्सियली कंसीडर नहीं कर, जैसे यहां जीरो हुआ था फिक्स्ड में, वैसे भी यहां जीरो होगा। अब यहां आइए, इसको मैं एक्सटेंसिबल एक्सटेंड कर सकता हूं क्या, इसको एक्सियली डिफॉर्मेशन इस मेंबर को कर सकता हूं क्या, ए से बी, इसको मैं ऊपर खींच सकता हूं क्या, खींच सकता हूं क्या, नहीं नहीं खींच सकते, ये मेंबर एक्सियली है, नहीं खींच सकते। इसको इधर ये मेंबर सी बी सी मेंबर खींच सकते हैं क्या, इधर नहीं खींच सकते, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। लेकिन बेंड कर सकते हैं क्या, या बेंड कर पाएंगे, बेंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ बेंडिंग है, बेंड दिया हुआ है, बट एक्सियली डिफॉर्मेशन नहीं है। इसी प्रकार यहाँ ना ऊपर इस मेंबर को खींच सकते हैं, ना ही इस मेंबर को इधर खींच सकते हैं, तो सिर्फ क्या आएगा, क्या आएगा, जब एक्सियली डिफॉर्मेशन नहीं है तो क्या आएगा, सिर्फ बेंड आएगा। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, आप तीन प्रकार से हम लोग कर सकते थे, ठीक है। इसके पास कितना है, दो है, इसके पास दो है, सपोर्ट के पास दो है, एक्सियली हमको कंसीडर नहीं कर, मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा, समझ पा रहे हो आप। अब देखो, अब देखो, अब आप एक चीज और, एक्सियली डिफॉर्मेशन तो हम लोग नहीं लिए कहीं पर, लेकिन दोस्त यहां बेंड आ रहा है, यहां बेंड मोमेंट आ रहा है, तो बेंड तो होगा, मोमेंट आ रहा है, बेंड तो होगा, कैसे होगा स्ट्रक्चर बेंड, ऐसे कुछ होगा बेंड, कुछ इस टाइप से बेंड होगा हमारा स्ट्रक्चर। अब दोस्त जितना ये गया, जितना ये गया उतना ही ये गया होगा, उतना ही ये गया होगा, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे हम लोग कि ये डेल्टा एक्स बी जो गया, और ये भी कितना गया, डेल्टा एक्स सी, ठीक ना। लेकिन ये दोनों बराबर है, किसी एक को लेंगे हम, जितना ये गया उतना ये गया, तो मैंने सिर्फ इसको ले लिया। अब मैं लिख लूंगा इसको डी के आई, कैसे लिखा, थीटा को लिख लो पहले आप, थीटा भी एक यहाँ थीटा बन रहा है, मोमेंट यहाँ है तो एक मुड़ रहा, एक थीटा हमारा बी सी, एक थीटा यहाँ बन रहा है, यहाँ बेंड हो रहा है, थीटा डी, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन देखो, एकमात्र एकमात्र सिर्फ डिफॉर्मेशन हो रहा, एकमात्र डिफॉर्मेशन हो रहा है डेल्टा एक्स बी से, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स बी। तो टोटल कितना गया, 1 2 3 4, कितना गया, 4 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। अब सपोज दैट ये एक और इसमें दे देता मेंबर, तब आप क्या करते, कुछ नहीं करना था, मोमेंट यहां पर तो एक्सियली तीन होता है, तीन होता है, लेकिन ये एक्सियली होगा नहीं, एक्सियली इस मेंबर के लिए ये कट गया, होगा नहीं, क्योंकि एक्सियली नहीं कंसीडर करना है इस मेंबर के लिए, ये एक्सियली कंसीडर नहीं करना, सिर्फ क्या आएगा, मोमेंट आएगा, मोमेंट क्योंकि बेंड है, तो यहां पर सिर्फ क्या हो जाता आपका, बेंड हो जाता, यहां पर भी बेंड हो जाता। लेकिन एक चीज और है दोस्त, आपका एक और डिफॉर्मेशन होता है ये डेल्टा एक्स, अगर कोई भी पॉइंट हो, मान के चलो ये इसको आप दे दो, आप मान के चलो आर दे दो, डेल्टा आर हो जाता है यहां, है ना। अब बोलोगे सर जितना ये गया उतना ये गया, अरे कैसे जाएगा माय डियर फ्रेंड, देखो ना यही देखो, ये जितना यहां गया है ये, इसका फिर अलग डिफिनेशन, अलग इसका कर्व बनता। अब यही चीज देखो आप, जितना यहां गया क्या इतना ही यहां गया,
सपोर्ट के नज़दीक अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर भी एक डिफॉर्मेशन ले लेंगे, लेकिन जितना यहाँ जाएगा दोस्त इतना यहाँ भी जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन ये अब ये सेम होगा, इसलिए सिर्फ एक लेंगे हम लोग। ठीक है दोस्त, एक मेंबर ऐसे हो जाता, समझो सब कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में मैं समझा दे रहा हूं। एक मेंबर ऐसे दे दिया, एक मेंबर ऐसे दे दिया, एक मेंबर ऐसे दे दिया, तो यहां हमें पता है कि एक्सियली तो होगा नहीं, सिर्फ मोमेंट आएगा, सिर्फ मोमेंट आएगा, मोमेंट आएगा, यहां भी मोमेंट आएगा। और जितना डिफॉर्मेशन यहां पर, ऐसा मत कर देना कि यहां जितना डिफॉर्मेशन एक यहां फिर यहां भी एक ले लिए, नहीं, ये सब में सेम आएगा, जितना यहां गया इससे भी आगे चला गया होगा, ऐसे ये ऐसे जाएगा कुछ, तो जितना ये गया उतना ये भी गया, इतना यहां भी जाएगा, है ना, ये आगे डिफॉर्म हो गया, ये तू समझ गया ना बात, सिर्फ एक डिफॉर्म में अगर ये मेंबर आ गया, सिर्फ एक डिफॉर्म लेंगे, यहां पर भी आ जाएगा फिर एक थीटा। ठीक है, चलिए मैं सारा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया हूं कि अगर मेंबर बढ़ा दे या फिर मेंबर बढ़ा दे, आपका सपोर्ट बढ़ा दे और, तो कैसे लेंगे। चलिए अब सर मैं फॉर्मूला से भी बता देता हूं, चलो फॉर्मूला देखो, देखो फॉर्मूला इसके लिए, फॉर्मूला देखो डी के आई के लिए फॉर्मूला होता है 3J माइनस का आर ई, क्या है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल जो सपोर्ट है उसके बारे में बोल रहा है, प्लस का आर आर रिलीज ड्यू टू हिंज, लिख लेना आप रिलीज ड्यू टू हिंज, हिंज किसको बोलते हैं दोस्त, सपोज दैट यहाँ हिंज होता, यहाँ हिंज होता तो इक्वेशन कितना देता है एक्स्ट्रा, दो मेंबर से कनेक्टेड है तो एक देता, एक और मेंबर से कनेक्टेड होता तो दो देता, तीन मेंबर से अगर कनेक्टेड है तो इसी को, यहाँ पर कोई हिंज नहीं है अभी, तो फिर प्लस में क्या होता है, शेयर रिलीज, शेयर रिलीज, क्या होता है शेयर रिलीज, अब ये बीम है, अब ये मेंबर है, इस मेंबर में क्या कर देता है इन्होंने, एक शेयर रिलीज लगा दिया, तो दोस्त इसका भी कॉन्सेप्ट हिंजी के जैसा है, दो मेंबर से कनेक्टेड है एक देगा, तीन मेंबर से कनेक्टेड होता दो देता, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है हिंज के जैसा, जितना मेंबर से कनेक्टेड है एक माइनस कर दो, ठीक है। अब हमारे पास 3 into ज्वाइंट, ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4, फोर कर दिया मैंने माइनस का आर ई एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, तीन इसका है, दो इसका है, दो इसका है, टोटल कितना हो गए, 5 हो गए, रिलीज ड्यू टू हिंज है क्या, नहीं हिंज भी नहीं है, हिंज भी नहीं है यहाँ, यहाँ शेयर रिलीज है क्या, शेयर रिलीज भी नहीं है यहाँ, आपको बता दिया शेयर रिलीज हिंज क्या होता है, टोटल कितने हो गए, 12 माइनस का 5, टोटल का 7, देखो इसमें भी फॉर्मूला से भी 7 आया आपका, और जनरल कॉन्सेप्ट लगाया उससे भी आपका 7 आया। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, देखो अब इसका देख लेते हैं हम लोग, डी के आई इन एक्सटेंसिबल है, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 3J माइनस का आर ई माइनस का एम हो जाता है दोस्त, बस इसमें एम नहीं होता, इसमें एम हो जाता है, प्लस का आर आर और रिलीज ड्यू टू हिंज, प्लस का शेयर रिलीज, ठीक है। अब देखो 3 into ज्वाइंट कितना ज्वाइंट है, देखो मेरा क्या स्ट्रक्चर था, मेरा जो स्ट्रक्चर था फर्स्ट में, मेरा जो स्ट्रक्चर था ये था स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था डी क्या ही, मैंने बता दिया था कि कितना आया था इसमें 4 आया था, ये स्ट्रक्चर था मेरा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था, चलिए ये स्ट्रक्चर था। अब देखो 3 into J ज्वाइंट कितना है, 1 2 3 4
4 लिख दिया, माइनस का एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है, आरआर, एक्सटर्नल रिएक्शन मतलब सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, 3 इसका, 2 इसका, 5 माइनस का मेंबर, मेंबर ये एक मेंबर हुआ 1, ये मेंबर हुआ 2, ये मेंबर हुआ 3, मतलब 3 कर दिए, प्लस का रिएक्शन ड्यू टू रिलीज हिंज, हिंज है क्या, हिंज इस टाइप से है क्या, नहीं है, शेयर रिलीज है क्या, इस टाइप से शेयर रिलीज है क्या, इस टाइप से शेयर रिलीज है क्या, नहीं है, नहीं है, मैं सब कुछ बताते जा रहा हूँ सर, फिगर के साथ बता रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको रिवीजन के साथ साथ आपको याद होते जाए, नहीं है, क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 8 कितना आ जाएगा, 4, इसमें भी 4 आया था जनरल कॉन्सेप्ट से, फार्मूला से भी 4 आ गया, क्लियर है दोस्त यहां तक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। दोस्त अब एक हम लोग बीम लेते हैं, बीम लेते हैं, रोलर है हमारा, ये हिंज है हमारा, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक, एक्सटेंसिबल मतलब बेंड, देखो यहां फिक्स्ड में क्या होता है, जीरो, मैं बता चुका हूं प्रीवियस में, फ्रेम में मैं बताया था कि फिक्स्ड में कैसे जीरो होता है, बेंड प्लस एक्सियल होगा, देखो यहां 3 प्रकार से होगा, ऐसे भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होते हैं, सपोर्ट रिएक्शन 1 है मतलब एक से और वर्टिकल से तो कट जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा, देखो एक इधर चला जाएगा हमारा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं एक्सियली, और एक बेंड आ जाएगा, समझ गए कैसे 2 आया, चलिए ये है भाई ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग, यहां पर आओ, सेम रोलर है तो इसमें भी यही सेम कंडीशन होगा, एक बेंड होगा एक एक्सियली जाएगा, ठीक है, ई पर आओ, ई पर हम लोग ऊपर भी ले जा सकते हैं, एक्सियली भी कर सकते हैं और बेंड भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर आप आओ, ये क्या है, हिंज है, अब हिंज का देखो क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला में तो डायरेक्ट पुट कर देंगे क्योंकि 2 मेंबर से है तो सिर्फ 1 पुट कर देंगे प्लस करके, लेकिन क्या है कि यहां बेसिक कॉन्सेप्ट में समझो कैसे होगा हिंज का। इस हिंज में दोस्त हम लोग 3 प्रकार से यहां काम कर सकते हैं, ये एक वर्टिकल, एक होरिजेंटल और एक मोमेंट यहां लगा सकते हैं, लेकिन मोमेंट को ये क्या रेसिस्ट कर पाएगा क्या, इसके पास है मोमेंट नहीं है, ये क्या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट होगा, और नीचे जब शिफ्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, एक थीटा इधर बनाया, एक थीटा इधर बनाया, मतलब सी से बी इधर गया और एक सी से डी इधर चला गया, ठीक है, इस मोमेंट के कारण, तो यहां से इस मोमेंट को हटा दो, इस मोमेंट का काम हो गया, अब एक इधर जाएगा एक ऊपर जाएगा, इस पॉइंट पे ऊपर भी कर सकते हैं, होरिजेंटल भी खिंचा सकता है एक्जियली। अब देखो टोटल देखो दोस्त, थीटा बेंड हो रहा है बी पर, बी पर मैंने बेंड कर दिया, ठीक है, फिर अब देखो थीटा डी, फिर थीटा एक यहां बेंड हो रहा है, थीटा डी हो गया, थीटा आप देखो पहले आप थीटा सी वाला देखो, एक सी से बी जा रहा है, सी से बी जा रहा है, एक थीटा सी से डी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, अब डी पर देखो एक थीटा ओनली वन डी है, एक ई पर भी यहां पे बेंड हो रही है, तो यहां पर एक थीटा ई हो जाएगा। अब एक्सियल डिफॉर्मेशन देखो, डिफॉर्मेशन वाला देखो कौन कौन सा है, एक यहां ये एक से एक्स में गया, इधर एक्स ले लिए ऊपर वाई ले लिए, ये एक्स में गया तो डेल्टा एक्स बी, ठीक है, अभी देखो सी पर ऊपर भी जा रहा है वाई में और एक्स में भी जा रहा है, तो मतलब डेल्टा वाई सी और डेल्टा एक्स सी, एक्स सी, अब देखो डी पर आओ, होरिजेंटल एक्स में जा रहा है डेल्टा एक्स डी, इस पॉइंट पे आओ ऊपर भी जा रहा है और एक्सियली भी जा रहा,
तो क्या हो जाएगा, वाई में भी जा रहा है, मतलब वाई ई और डेल्टा एक्स ई, काउंट करो टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डी के आई कितना आ गया हमारा दोस्त, डी के आई टोटल 11 हो गया। ठीक है, इधर समझो, अब इधर समझो, ये था मेरा हिंज है, समझो अब यहां पे ए बी सी डी ई, यहां पे तो जीरो होता है, फ्रेम में मैंने बता दिया फिक्स्ड है, जीरो होगा यहां पे, हम कहीं पे ना एक्जियली तो अलाउड है ही नहीं, ना बेंड कर सकते हैं, ना ऊपर नीचे कहीं नहीं कर सकते इसको। ठीक है, बी पर देखो दोस्त, बी पर देखो, तीन होते हैं, तीन तरीका से इसको हम इसको बेंड कर सकते, एक बेंड कर सकते हैं, एक एक्जेली ले जा सकते हैं, एक ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन थ्री होता है, आप ये चीज़ जानो बीम और फ्रेम में। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्या होता है, सपोर्ट एक होता है। डियर फ्रेंड्स, ये एक्जियली डिफॉर्मेशन निगलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब नहीं है तो इसको एक्जियली मेंबर ये है तो मेंबर की तरफ है, तो ये एक्जियली ये हुआ, इसको निगलेक्ट कर दो आप। ठीक है, ये ऊपर आप खींचना चाहोगे, खिंचाएगा क्या, नहीं, ये रोक देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पिन सपोर्ट है, रोलर है, एक दे रहा है ऊपर, ये मतलब वर्टिकली इसका भी है, तो इससे ये कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, मोमेंट, तो मोमेंट मैं सिर्फ दे दिया। इसी प्रकार रोलर ये भी है, तो मोमेंट इसमें भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्त, इसमें भी तीन प्रकार के हम लोग काम कर सकते हैं, है ना, अलाउड नहीं है एक्जेली, छोड़ दो इसको भाई, दो तो कर सकते हैं ऊपर, अब एक बेंड कर सकते हैं, ऊपर तो खींचा जाएगा, लेकिन जैसे ही बेंड करोगे तो क्या ऐसे बेंड हो जाएगा, आप मोड़ोगे मतलब नीचे आएगा ये बेंड करने पर, तो जब नीचे आएगा तो एक थीटा इधर भी बनाया, एक थीटा इधर भी बनाया, है ना, और एक ऊपर जाएगा, अब इस मोमेंट के कारण तो ये हो गया, तो ये मोमेंट खत्म हो गया, यहाँ पे इस मोमेंट का काम तो कर दिया, यहाँ सिर्फ एक ऊपर जाएगा यहाँ। ठीक है, ई पर आओ आप, मोमेंट इसको मोड़ सकते हैं क्या जी, इसको मोड़ सकते हैं, इसको एक्जियली ले जा सकते हैं क्या, नहीं, एक्जियली अलाउड नहीं है, बट इसको ऊपर तो खींच सकते हैं ना, खींच सकते हैं ना। ठीक है, हो गया, अब देखो दोस्त यहां पे थीटा कितना बी, अब यहां देखो थीटा सी बी, थीटा सी डी, थीटा डी, थीटा ई आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे सिर्फ ये जा रहा एक्सियल में कोई भी नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, डेल्टा 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 वाई में सी है और डेल्टा डेल्टा वाई में ई है। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, तो डी के कितना हो गया मेरे पास, डी के आई 7। अब दोस्त मैं फॉर्मूला से भी इसको बता देता हूं कैसे बनेगा फॉर्मूला से, चलिए फॉर्मूला देख लीजिए, इसका मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अभी इसका काम हो गया, अब मैं फॉर्मूला से आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो मैं जनरल कॉन्सेप्ट से 11 आ गया था, फॉर्मूला से देखो फॉर्मूला क्या है इसमें, 3J माइनस आर, कौन सा, एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस का क्या लगाओगे आप, RR रिलीज ड्यू टू हिंज, प्लस का शेयर रिलीज दे दिया तो आपका यहां पे शेयर रिलीज लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्त 3 × ज्वाइंट, 1 2 3 4 5 5 ज्वाइंट, आर ई ज्वाइंट इसे भी लेना है दोस्त, एक्सटर्नल कितना है 3, इसका होता है 1 1, रोलर का कितना हो गया 5, टोटल कितना 5, प्लस आर आर रिलीज ड्यू टू हिंज, देखो हिंज आ गया दोस्त, यहां
यहाँ हिंज है दोस्त, कितने मेंबर से कनेक्टेड, दो मेंबर से कनेक्टेड, दो मेंबर में कितना इक्वेशन देगा, एक देगा, तो यहाँ एक लिख देंगे। ठीक, अब ये कितना हो गया, 15 माइनस का 5 प्लस का 1, इट मींस 16 माइनस का 5, टोटल कितना हमारे पास बचा, 11। देखो दोस्त, जनरल कॉन्सेप्ट से भी 11 आया, अब फॉर्मूला से भी 11 आया, तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। चलो अब इन एक्सटेंसिबल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डी के आई फॉर्मूला क्या बोलता है, ये 2j माइनस का आर ई एक्सटर्नल रिएक्शन, और फिर लगा दो आप प्लस का रिलीज ड्यू टू हिंज आर आर, और प्लस का शियर डिफॉर्मेशन। किसको बोला था शेयर डिफॉर्मेशन, इस टाइप से हो इसको शेयर डिफॉर्मेशन। मैं रिवीजन कराते जा रहा हूं, बार बार बताते जा रहा हूं ताकि आपको याद हो कौन सा चीज क्या है। 2 इंटू ज्वाइंट, ज्वाइंट देखो दोस्त, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। आर ई एक्सटर्नल रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन 1 2 और यहां 3, कितना लिखेंगे, 5। लेकिन 5 नहीं लिखना है, बोलोगे क्यों दोस्त, क्यों मेरे दोस्त, यहां पे ऑलरेडी हम निग्लेक्टेड कर चुके हैं। क्या निग्लेक्टेड कर चुके हैं कि सपोर्ट रिएक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक्जियली अलाउड नहीं है यहां, एक्जियली अलाउड नहीं है यहां, इसलिए 2 लेंगे, 2 एक 3 एक 4। आप बोलोगे सर प्रीवियस क्वेश्चन में इन एक्सटेंसिबल फ्रेम में तो आप 3 लिए थे, लेकिन वहां 3j था मेरे दोस्त, ऑलरेडी मैं 2j ले रहा हूं क्योंकि एक्जियली निग्लेक्टेड है, इसलिए मैं सिर्फ यहां 2 कंसीडर कर रहा हूं। तो 2 1 2 4, टोटल 4 आ गया, प्लस एक्सटर्नल रिलीज ड्यू टू हिंज, 1 2 मेंबर से कनेक्टेड है, एक देगा, एक दे दिया, कितना हो गया टोटल दोस्त, 10 माइनस का 4 प्लस का 1, तो टोटल 11 माइनस का 4 कितना हो गया हमारे पास, 11 माइनस का 4 टोटल कितना हो गया, 7 7 7 टोटल कितना आ गया, 7। इसका भी 7 आ गया दोस्त, इसका भी 7 आ गया। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट और आप फॉर्मूला से भी देख लिए। लास्ट हम लोग सिर्फ ट्रस्ट देख लेते हैं, बाकी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आइए लास्ट हम लोग ट्रस्ट देखने वाले हैं दोस्त, इसके बाद हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर देखो ट्रस में, देखो ट्रस में एक कॉन्सेप्ट है, देखो क्या है, ट्रस में कभी भी, ट्रस में बेंडिंग नहीं आता, कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हर मेंबर स्ट्रेट है। अब देखो क्या हो जाएगा, सिर्फ ऊपर खींच सकते हैं और एक एक्सियली, मतलब दोनों एक्सियली ही हो रहा है, अलग अलग मेंबर के लिए दोनों एक्सियली ही हो रहा है, लेकिन यह बेंड नहीं आ रहा है, बेंडिंग नहीं आता ट्रस में। और वैसे भी जानो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ट्रस में कितना होता है, 2 होता है। ऐसे भी आप याद रखो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होता है ट्रस में, 2 होता है। 2 ले लिए एक पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, अच्छा इस पॉइंट पर देख लेता हूँ, इसका भी 2, सपोर्ट रिएक्शन भी 2 होते हैं। अब दोस्त इसका भी 2, इसका भी 2, ये जाने देगा क्या, ये नहीं जाने देगा, ना इधर ना ऊपर, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब यहाँ हमारा क्या, 0। अब यहाँ पर आओ, सिर्फ एक्सियली अलाउड है तो अलग अलग मेंबर के लिए हम एक्सियली इस पॉइंट को ऊपर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। ठीक है, बेंड आता नहीं ट्रस में, बेंड लेंगे नहीं, इसमें भी ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग सेम एज इट इज आ जाएगा। रोलर में देखो, इसमें भी 2 आएगा, लेकिन रोलर का 1 है, इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास,
अब देखो देखो आप, ये खत्म, क्या बच? हमारा यहाँ दो जा रहा है, किस किस में जा रहा है? डेल्टा वाई में जा रहा है बी, और डेल्टा एक्स में जा रहा है बी। यहाँ पर देखो सी, डेल्टा वाई में सी और डेल्टा एक्स में सी जा रहा है। यहाँ पर देखो डेल्टा 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 वाई में डी और डेल्टा एक्स में डी जा रहा है ना। फिर यहाँ पर देखो डेल्टा ई वाई में जा रहा है और डेल्टा एक्स ई में जा रहा है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने आ गए हमारे पास? 8 आ गए। अब माय डियर फ्रेंड, ओ एक मिनट एक मिनट, डेल्टा ई वाई एक्स, एक्स में नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाई वाई तो कट गया, वाई आएगा नहीं यहाँ पे। तो टोटल कितने हमारे पास आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 आ गए। फॉर्मूला से देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? डी के आई 2j माइनस का एक्सटर्नल रिएक्शन, 2 इंटू ज्वाइंट 1 2 3 4 5 एक्सटर्नल रिएक्शन, दो इसका होता है, एक इसका होता है, 3। टोटल कितना हुआ? 10 माइनस 3 टोटल कितना आया? 7। फॉर्मूला से भी 7 और ये भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से भी 7। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं इन एक्सटेंसिबल का। तो हमेशा याद रखना कि इन एक्सटेंसिबल ट्रस के लिए 0 होता है। क्यों 0 होता है? अब बताओ, बेंड तो आता ही नहीं, बेंड इसमें है लेकिन इसमें बेंड आता है क्या ट्रस में? नहीं आता। नॉट एक्सियली डिफॉर्मेशन, मतलब हम लोग को एक्सियली डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड कर देना है, नहीं लेना है। तो एक्सियली डिफॉर्मेशन ही तो सिर्फ आ रहा है, इसको भी नहीं लेना, बेंड भी नहीं आ रहा, तो मतलब 0। तो दोस्त आप जितना मैंने 3 क्वेश्चन बताया, कुछ कॉन्सेप्ट हिंज का क्या था, शेयर रिलीज का क्या था, और इस फ्रेम में कैसे मेंबर कितना आ जाए तो कितना बेंड होगा वहाँ पे, कितना डिफॉर्मेशन है ना, कितना पे वहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा, आप सारा चीज़ ध्यान से एक चीज़ समझ लेना। एक बार नहीं समझ में आया, दो बार समझना देखकर वीडियो, लेकिन अच्छा से समझ जाओगे। मैं यकीनन बोलता हूँ दोस्त, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं खुद छोटे एग्जाम से लेके SSC JEE असिस्टेंट इंजीनियर है ना, MPA फिर गेट का, ESE का, मैं सारा क्वेश्चन मैं खुद लगाया हूँ इस कॉन्सेप्ट से। तो मैं खुद देखा हूँ कि अच्छा से सारा क्वेश्चन बन जा रहा है, तो आपसे भी बनेगी। फिर मिलते हैं दोस्त नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दैट्स ऑल।